राज्यसभा में आया, राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। ये प्रश्न आपको सभी से पूछना चाहिए। सभी से पूछना है। एक मिनट, सुनो तो वही बात हो गई। आपकी बात सुनो, ठीक है। मुझे भी राजनीति में 40 साल हो गए, आप लोगों से कई कुछ पैदा भी हुए। जब भी इस प्रकार के प्रकरण आए हैं, अधिकांश प्रकरणों में मैंने ये देखा है कि जो अनारक्षित वर्ग है वो ही अपने दुश्मनी बजाने के लिए उनसे ही शिकायत करवा देते हैं। ऐसे कई प्रकरण मेरे पास आए, तो इसमें थोड़ा बहुत सोच समझ के हम लोग को बात करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने हमेशा अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम को समाप्त करने के लिए कभी वादा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का मुझे मालूम है, ये प्रचार करते रहे हमें चुन लो, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम हम समाप्त करते हैं, तो ये धोखा भारतीय जनता पार्टी ने आप सबको दिया है। आपको उनसे भी प्रश्न पूछना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, ये अगर आपकी मांग है तो आप सभी राजनीतिक दलों से कहिए कि अपने घोषणा पत्र में इसको रखें और उस पर निर्णय हो। सभी राजनीतिक दलों को चर्चा करनी चाहिए। नहीं, इस पर सवाल निवेदन, कांग्रेस पार्टी पहले स्पष्टीकरण करे कि हम चाहते हैं ऐसा। मेरा एक मिनट, आज देश में राज्य किसका है? सारा बीजेपी सर, मेरा उसे प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भारत में विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी रही है, विपक्ष रूप में कांग्रेस पार्टी है, वहाँ बैठी हुई है उस जगह जहाँ पर जो नियम कानून कायदे का जो अध्यादेश लाने का काम जिस जगह होता है उस जगह आप बैठे हुए हैं। मैं संविधान के अंतर्गत अध्यादेश लाने का अधिकार विपक्ष को नहीं है, सरकार को। सरकार को है, एक बात सुन लीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर था, हूँ और रहूंगा, और ये ऐसा निजी तौर पर मैं कोई बात नहीं कर सकता। जो मुझे बात करनी होगी पार्टी के अंदर करूँगा। अरे पार्टी का कहना मतलब कि तुम जाओ भाड़े में। हम अपन पार्टी नहीं चुने आप। मुर्दाबाद।